फोन बात कर लो पहले। अरे विरोध कर। झरिया के चासनाला कुलतार निवासी गदाधर रवानी ने धनबाद उपायुक्त को लिखित शिकायत किया गया है कि चासनाला के चंद्राबाद मौजा खाता नंबर 12 प्लॉट नंबर 345 633 431 और 434 कुल रकबा 29 डिसमिल जमीन है। उक्त जमीन पर भू माफिया द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब हम लोगों के द्वारा उन लोगों से बात की गई तो उन लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है। वही कुलतार निवासी रंजित महतो ने कहा कि यह जमीन CNT जमीन है तो कैसे कोई खरीद बिक्री कैसे संभव है। यहाँ पर भू माफिया दबंगई कर रहा है। यह जमीन दान पत्र के माध्यम से ही कोई ले सकता है। ये लोग जबरन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस जमीन को भू माफियों से मुक्त कराया जाए और हमें रास्ता दिया जाए ताकि हम लोग अपना जमीन पर कुछ कार्य कर सके। वही इसकी सूचना झरिया CEO व पाथरडी थाने में भी की गई है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि उक्त जमीन को उनके पूर्वज पूर्व में ही बेच चुके हैं तथा इन लोगों के द्वारा धनबाद उपायुक्त व झरिया CEO को लिखित शिकायत की गई थी, जिस पर जांच टीम आई थी, जहां हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, दस्तावेज सही पाया गया, परंतु कुलतार के लोगों द्वारा आपत्ति जताने पर उन लोगों द्वारा लिखित शिकायत करने की बात कही गई, जिस पर लोग आनाकानी कर रहे हैं। अगर वह लोग चाहे हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया क्या कागजात को पुनः जांच करा ले, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रिपोर्टर मनोज साव झरिया। निवासी ये जो अवैध रूप से यहाँ पे घेराबंदी करके जबरदस्ती दबंगों लोगों ने अपने पैसा उगाही के खातिर जो कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण हम लोग का मलिक कहार महतो सभी का जमीन है जो यहाँ के मूल रहती हैं और CNT में आते हैं। ये इन लोग का कहना है कि हम लोग जमीन ले चुके हैं, खरीद लिए हैं। अरे भाई, लिए हैं तो किन से लिए हैं, जब किसी को सूचना ही नहीं है, किसी व्यक्ति को पता ही नहीं, ग्रामीण को आप जबरदस्ती किसी का घेर लीजिएगा, आप अपना कहिएगा, कैसे हो जाएगा। हम लोग के पास आपका पुराना खाता और नया खतियान दोनों में हम लोग का नाम सूचीबद्ध है, रसीद भी है, सारा चीज़ है। इसके बावजूद इन लोगों ने जबरदस्ती भू माफिया के द्वारा ये लोग अपने कब्जे में करके जबरदस्ती घेराबंदी करके अपना प्लॉटिंग करके बातचीत। हमसे बातचीत नहीं हुई थी, हम एक दिन आए थे यहाँ पे तो पूछे, भाई ये जमीन जो आप लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग कर रहे हैं तो किन से लिए हैं, तो बोल रहे कि हम लोग ले लिए हैं कोई कोलकाता का पार्टी, ऐसे कुछ बताए। तो हम बोले भाई हम लोग तो बेचे नहीं हैं। तो इन लोग का कहना है कि आप लोग के पूर्वज कभी दिए हैं, अगर मेरे पूर्वज अगर कहीं दिए हैं तो हम लोग के नाम पर अभी या तो उस समय खरीदे हैं या लीज पर लिए हैं, जो भी यहाँ पे एक रोलिंग मिल पहले हुआ करता था, आज रोलिंग मिल भी लोग का जो भी लोहा लकड़ सब बेच बाच दिए और बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ था जिनको भी काट के ये लोग बेच दिए और उसके बाद अपना काम कर रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं। आप इसकी शिकायत कहाँ कहाँ? इसकी शिकायत थाना को दिए हैं, आपका CEO को दिए हैं, SDO को दिए हैं, DC को दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, राज्यपाल महोदय को दिए हैं। खाता क्या संख्या क्या है आपका? मेरा खाता संख्या 16 है, हाँ 16 है और आपका 16 डिसमिल जगह। हम से ही मांग करते हैं कि भाई हम मेरा जमीन नापी करके निकाल दिया जाए और आप जिनसे किनसे लिए हैं, कौन सा जमीन लिए हैं, उस पर अपना काम कीजिए। पिता गदाधर रवानी, मेरा सरकार से चाहे आप लोगों से ये निवेदन है, मेरा जमीन इस घेराबंदी प्लॉट के अंदर आता है, मेरा प्लॉट है 431 434। हम सरकार से मैंने जहाँ तहाँ पेपर दिया है, आवेदन दिया है, मैंने थाना में दिया है, CEO के पास दिया हुआ है, DC के पास दिए हुए हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि मुझे अपना जगह पे आने जाने का स्वतंत्र रास्ता दिया जाए। उनका अगर जगह है तो वो अपना जगह पे घेराबंदी करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनका जगह नहीं है तो मेरी जगह जो है, मेरी जगह पे हमको आने जाने का स्वतंत्र रास्ता दिया जाए। हम सरकार से, थाना प्रभारी से, सारे लोगों से ये आवेदन करना चाहते हैं कि हमें
स्वतंत्र रूप से आने जाने का स्वच्छ रास्ता दिया जाए, मेरे जगह पे किसी तरह का कोई छेड़खानी ना किया जाए, नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो सर हम यहाँ पर धरना में बैठेंगे, चाहे हम इस जमीन के अंदर अपना जो करना होगा हम अपना कदम उठाएंगे। मैंने सीओ का दिया हुआ रिसीविंग मेरे पास है, मेरे पुराना दलील में मेरा नाम है, नया दलील में मेरा नाम है, पंजी टू में मेरा नाम छपा हुआ, अप टू डेट मेरे पास रसीद है। अगर इनका कहना है कि मैंने अपने आपके पूर्वजों से जमीन खरीद लिया है, तो भैया ये आप मेरे को 1959 का डीट दिखा रहे हैं कि मैंने आपके पूर्वजों से जमीन खरीद लिया है। भैया जब ये 1912 में CNT एक्ट लगा है तो आप 1959 में कैसे जमीन